हाय गाइस, मेरा नाम है अनुज शर्मा और साबा सोसाइटी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दो चरणों में कंप्लीट होता है। पहले हमारा लर्निंग लाइसेंस बनता है और उसके कुछ समय बाद हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है मैन वाला वो अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है उसे बनने की प्रक्रिया है वो तीन चरणों में कंप्लीट होती है। पहले हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमें एक डेट मिल जाती है, जिस डेट के लिए हमें अपने RTO ऑफिस जाना होता है। जो भी आपकी सिटी में RTO ऑफिस लगता है, आपको वहाँ जाना होता है। उस RTO ऑफिस में जाने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है और आप उस लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तीन चरणों में हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लर्निंग लाइसेंस कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कैसे उसकी स्लॉट बुक करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं, लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार करके रखेंगे तो आपको लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक अपना फोटो, जो कैंडिडेट का आप अप्लाई करेंगे उसका फोटो रेडी होना चाहिए। और उसके बाद हमें एक चाहिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी हम उसमें हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। और तीसरा हमें चाहिए हमारे एड्रेस का प्रूफ, जिसमें हम अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए कैंडिडेट के सिग्नेचर, जिसका भी हम अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद अप्लाई कीजिए अपने लर्निंग लाइसेंस को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन करने के लिए हम sarthiparivahan.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर अपने प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका प्रदेश लगता है। सिंपली आप यहाँ पर उस प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके प्रदेश की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करते ही ये देखिए आपके सामने सारे स्टेप्स खुल के आ गए हैं। टोटली हमारा 7 स्टेप्स में ये फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले हमें लर्निंग लाइसेंस की डिटेल्स भरनी है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर फीस का पेमेंट करना है, फिर फीस का वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद फीस की जो रसीद है उसे प्रिंट करना है, देन उसके बाद हमें अपना लर्निंग लाइसेंस की स्लॉट की बुकिंग करनी है। टोटली 7 स्टेप में हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ एप्लीकेट्स डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस इसी पर टिक रहने देना और सबमिट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आप सबसे पहले यहाँ पर आप अपना प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना ARTO ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे, यानी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप सिंपली उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। और आपका यहाँ पर जो भी लगता होगा UP 24 या 25 वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, पर्सनल डिटेल्स फिल करते टाइम आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर फिल करेंगे इसमें वो चालू मोबाइल नंबर फिल करना, क्योंकि स्लॉट बुकिंग टाइम एक OTP आएगा हमारे फोन पर। उस OTP को डालने के बाद ही हमारी जो स्लॉट है वो बुकिंग होगी। तो आप सिंपली यहाँ पर एक चालू मोबाइल नंबर ही फिल करें। सारी पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर आप प्रेस की होल्ड और कंट्रोल की से आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है आपको किस किस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पर सिंपली मोटरसाइकिल विद गियर और LMB के लिए अप्लाई करना, तो सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करके मैं सिंपली इस साइड से कर लूँगा। आप सिलेक्टेड यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आप डिक्लेरेशन में पहला पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंशल डेथ। तो इसका मतलब ये है, अगर आपकी इनकेस कभी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, तो आप उस टाइम पे अपने डोनेट ऑर्गन्स को अगर डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर अनटिक रहने दीजिए। इसे अनटिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर सबमिट करेंगे, फॉर्म को सबमिट करते ही आपको यहाँ पर पूछा जाएगा यू हैव नॉट सिलेक्टेड डोनेट ऑर्गन डोनर, तो यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे। अगर यहाँ पर आप ओके कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। ये देखिए मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम दोबारा सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली से अगर डोनेट वाले को कैंसिल कर देना, उसके बाद आपको योर एप्लीकेशन इज बीइंग एक्सेप्टेड इसे ओके कर देना है, यानी उसके बाद आर यू श्योर टू सबमिट द डाटा इसे भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप फिल हो चुकी है। फिल होने के बाद आप नीचे सिंपली देखेंगे तो यहाँ पर आपको
सारे फॉर्म्स प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल दो ही चीजें प्रिंट करनी है। आपको एक प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करना है और यहाँ पर प्रिंट फॉर्म नंबर वन करना है। ये फॉर्म नंबर वन ये हमारा आगे चल के डॉक्यूमेंट्स में अपलोड होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर दोनों चीज़ें आप प्रिंट कर लीजिए। चलिए हम फटाफट इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कर लेते हैं। अभी देखिए हमारा फॉर्म नंबर ए और एक्नॉलेजमेंट दोनों ही प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे तो सारे स्टेप्स खुलकर आ जाएंगे, जिसमें देखिए लर्निंग लाइसेंस की डिटेल्स जो आप फिल कर चुके हैं, यहाँ कंप्लीटर लिख के आ रहा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे, उसके बाद फीस कटेगी हमारी, उसके बाद जो हमारी लर्निंग लाइसेंस की स्लॉट बुक होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है बिफोर पेइंग फीस मेक श्योर स्लॉट इज अवेलेबल। तो फ्रेंड्स आप फीस का पेमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए आपके अगले 3 महीने में कोई स्लॉट खाली है या नहीं। फ्रेंड्स अभी COVID-19 का टाइम चल रहा है तो उसकी पेंडिंग की सारी स्लॉट्स अभी पड़ी हुई हैं, तो इसकी वजह से अभी काफ़ी टाइम स्लॉट हमें नहीं मिल पा रही। तो आप फीस पेमेंट करने से पहले एक बार स्लॉट चेक कर लें कि आपकी डेट है या नहीं है। अगर आप एक बार फीस पेमेंट कर देते हैं तो आपकी स्लॉट बुकिंग नहीं हो पाती, तो ऐसे में आपका फॉर्म पेंडिंग में हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कोई स्लॉट हमारी खाली है या नहीं अगले 3 महीने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये रेड रेड वाली स्लॉट नॉट अवेलेबल है, और जो स्काई ब्लू आ रही है यहाँ पर ये हॉलीडेज है। हम यहाँ सिंपली नीचे से करते जाएंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 18 जनवरी 2021 की डेट मिल रही है, तो चलिए हम इस तारीख को अपनी स्लॉट बुकिंग कर लेंगे। आप चलते हैं अपने फॉर्म पर। फॉर्म पर यहाँ आने के बाद हमें यहाँ सिंपली प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा देखिए एप्लीकेशन नंबर पहले से आ चुका, डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है, हमें यहाँ सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फॉर्म नंबर वन। फॉर्म नंबर वन जो हमने अभी अपना प्रिंट किया था उस पर सिंपली हमें नीचे सिग्नेचर करना है। नीचे सिग्नेचर करने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो फॉर्म है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने है, और ये यस नो का जो सारे कॉलम है सारी डिटेल्स को आप केयरफुली पढ़ लेना। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से हिंदी में कन्वर्ट करके इसे सारी डिटेल्स को समझ के यस या नो पर टिक करके नीचे सिग्नेचर करके सिंपली इसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ें अपलोड करेंगे। सबसे पहले एज प्रूफ अपलोड करते हैं, यहाँ पर एज प्रूफ पर क्लिक कर लेते हैं। एज प्रूफ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम SSLC सर्टिफिकेट चुनेंगे, क्योंकि हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट है, यहाँ पर आप और कोई सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट नंबर में जो हमारी मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर है हम वो यहाँ पर सिंपली फिल कर देंगे, और यहाँ इशूइंग अथॉरिटी डिजाइन में हमें यहाँ पर यूपी बोर्ड फिल कर देंगे। इशू डेट आपकी मार्कशीट की सबसे नीचे दी होती है, इशू डेट आप सिंपली ये बुक कर देंगे यहाँ पर इशू डेट, और उसके बाद अपनी जो मार्कशीट है उसे सिंपली अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो साइज है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए हमारी मार्कशीट अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे व्यू और कन्फर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट ठीक है तो यहाँ सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ऐसे करके हम तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। एड्रेस पर रूम में हम अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, और फॉर्म नंबर एक मैं आपको बता ही चुका हूँ उसे भी अपलोड कर देंगे। तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद यहाँ हमें सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इससे पहले आप यहाँ पर सारे स्टेटस चेक कर लेना। यहाँ पर स्टेटस अभी सेव्ड 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 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है, तो यहाँ आप चेक कर लेना। सारे चेक करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे 2 स्टेप कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हमें सिंपली 3rd स्टेप के लिए अपने फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे वो 20 KB से कम में अपलोड होंगे, तो आप सिंपली अपने फोटो सिग्नेचर को 20 KB से कम में करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपके फोटो सिग्नेचर करेक्ट है तो यहाँ सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमारे 3 स्टेप कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हमें अपनी फीस का पेमेंट करना है। सिंपली आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
सीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। सारी डिटेल्स आप चेक कर लें, यहाँ पर आपकी जो फीस है लर्निंग की वो 350 रुपये फीस कटेगी, जिसे आप अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली स्टेट बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रेसड फॉर पेमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। ये की कुछ सर्चिंग होगी, कुछ देर सर्चिंग होने के बाद अगर आपके में भी कुछ ऐसा ही दिक्कत आ रही है और कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो सिंपली आप यहाँ एडवांस पर क्लिक करके प्रोसीड टू मर्चेंट, यहाँ अनसेफ पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मुझे स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, तो सिंपली स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है, दोबारा कंफर्म करेंगे और यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल करके 350 रुपये का पेमेंट कर देंगे। अभी देखिए हमारा पेमेंट जो सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है नीचे क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसीप्ट। तो यहाँ आप नेक्स्ट करने से पहले अपनी जो फीस की रसीद है उसका एक प्रिंट ले लेंगे। चलिए कहते हैं क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसीप्ट, उस पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर टिक करेंगे। ये देखिए ये बिंदु दिख रहा है आपको, यहाँ पर टिक करना है और इस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ आपका प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर लेंगे, आपकी रसीद आ चुकी है, आप सिंपली इसे प्रिंट कर लेंगे। अभी हमारी रसीद प्रिंट हो चुकी है, रसीद प्रिंट होने के बाद हम सिंपली बैक उसी पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी देखिए एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ पहले ही खुल के आ चुकी है। आप यहाँ आप सिंपली पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नल लिख के आ जाती है तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर हमारे जो 4 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, लर्निंग लाइसेंस की स्लॉट बुक करना। तो सिंपली यहाँ हम दोबारा प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ देखिए हम प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारा जो मोबाइल नंबर जो हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन करते टाइम डाला था उसके एक OTP जाएगा 6 अंक का, वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आप देखिए डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। हम यहाँ आपको सिंपली नीचे प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए ग्रीन कलर से स्लॉट होंगे वो हमारी अवेलेबल है, रेड कलर वाली अवेलेबल नहीं है और स्काई ब्लू वाली हॉलीडे है और जो हमारी ग्रे कलर से आ रही है वो डिटेल्स 3 महीने से आगे की डेट्स हैं। तो यहाँ पर हमें 18 तारीख मिल रही है, तो सिंपली 18 तारीख पर क्लिक कर लेंगे, 18 जनवरी पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर टाइम स्लॉट मिलेंगे जिसमें आपकी सीट्स भी देख सकते हैं आप किस टाइम स्लॉट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम सेलेक्ट करना चाहें उस टाइम पर क्लिक करके यहाँ बुक स्लॉट पर क्लिक कर देंगे। तो हम सिंपली 12:30 से 2:30 वाली स्लॉट लेनी है तो हम सिंपली इस पर टिक करके बुक स्लॉट पर क्लिक कर देते हैं। बुक स्लॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म टू बुक स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा और आपकी ये देखिए पहले चेक कर लीजिए 18 जनवरी 2021 को हमें 12:30 से 2:30 का टाइम मिला है। तो हम अगर आप इससे सहमत हैं तो यहाँ कन्फर्म टू बुक स्लॉट पर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए हमारा जो स्लॉट है वो भी बुक हो चुकी है। अब हमें इस रसीद का भी एक प्रिंट निकाल लेना है, आप सिंपली इसका भी एक प्रिंट निकाल लेंगे यहाँ से या फिर आप सेव एज PDF कर सकते हैं, इसे जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप देखिए हमारे जो 5 स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं स्टेटस कंप्लीट सारे लिख के आ रहे हैं और हमारे 5 स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी एक्नोलेज रिसिप्ट भी प्रिंट कर चुके हैं, अपनी फीस रिसिप्ट भी प्रिंट कर चुके हैं, बुक स्लॉट रसीद भी प्रिंट कर चुके हैं, फॉर्म नंबर 1 भी प्रिंट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक जो फॉर्म है वो अभी और प्रिंट करना है, फॉर्म नंबर 2। उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म 3 फील्ड पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म नंबर 2 है वो ओपन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्म नंबर 2 है वो ओपन हो चुका है। अब आप इसके 5 प्रिंट हैं, इनमें सभी को आप प्रिंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो भी आपको डेट मिले आप स्लॉट जो बुक करेंगे उस डेट को आपको RTO ऑफिस में
जो आपको डेट और टाइम मिली है उस टाइम से पहले ही आपको आरटीओ ऑफिस में पहुंच जाना है। देन उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा और आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।